अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम हजरत, मैंने पूछना था कि मेरे ना हस्बैंड ने ना एक नया कारोबार शुरू किया है, जी तो करना है बिल्कुल, तो जी जी वहां पर जो है वो बरकत की दुआ कर दें हाँ जी और वहां पर ग्राहकों की भी जो है वो लाइन लग जाए, जी 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 एक तो ये मसला, और वो चल जाए कारोबार। और हजरत साहब, मेरा दूसरा मसला ये कि हमारी ना औलाद नहीं है और 14 साल हो गए, लेकिन उसके साथ मसला ये कि मुझे कड़ी सलाह का शुक्र है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्या हमारे कारोबार में बरकत आई है, रिस्क में बरकत आई है, किस अमल से? बड़ा घर मिला है। हजरत साहब, 129 सूरत कौसर का जो अमल हाँ, बड़ा घर, है बड़ा घर कहाँ मिला है? यहाँ पर ही स्पेन में ही, स्पेन में बड़ा घर भी मिला? जी, और रिस्क में भी बरकत आई है कि हम अल्लाह ताला ने देने वाले लोगों में बना दिया, लेने वालों में नहीं। हाँ, क्या कमाल लफ्ज है, क्या ताकतवर लफ्ज है। जी 129 यानी 129 बार सूरत जी जी कौसर का अमल, गिड़गिड़ा के तवज्जो जी से। जी और हजरत साहब, ना जो या वाहिदों की तस्बीह हर नमाज के बाद एक, और सारा दिन खुला फलकना दरवाजा को पढ़ने से मेरी बहन का रिश्ता हो गया, जो बंदा हर नमाज के बाद और जी तस्बीह पढ़ेगा या वाहिद हो और सारा दिन खुला पढ़ेगा व खलकनाकुम अजवाजा, तो आपकी बहन का रिश्ता हो गया। जी माशाल्लाह, ये अमल बहुत लोगों ने आजमाया। 3 महीनों में, 3 महीनों के अंदर ना, अच्छा, और और जो ना टॉन्सिल्स के लिए पहले अंगूठा गरम करके फिर हाँ सर्जिकल टेप से जो है वो कलवंजी के दाने ना हाँ रात को लगा के सो जाए। और मेरा कजन था तो वो, उसको पहले एंटीबायोटिक से आराम आता था लेकिन फिर वो स्टीराइड्स पे चला गया, लेकिन टॉन्सिल खत्म नहीं होते थे, तो फिर सिर्फ 2 दिन भी अमल किया था और उसके बाद टॉन्सिल नहीं बने, अल्लाह का शुक्र अभी तक। जी, जी, और ये मतलब कौन हर हर अमल से फायदा है, लेकिन कौन सा अंगूठा, लेफ्ट राइट? ना मशकूलता अंगूठा है जी। मसला हल हो जाएगा। और हजरत साहब, मेरा ना जो बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि मुझे ना अकड़ी के हर वजीफे से फायदा होता है, जिस असल यकीन है भी ना, औलाद के अलावा अगर मैं जिस भी नीयत से पढ़ूं, अल्लाह वाले यकीन लेकिन है। अगर मुझे जी, लेकिन अगर मुझे सूरत कौसर के अमल से फायदा हुआ है, अगर मैंने इसके साथ औलाद की नियत कर ली है ना कि इससे मेरी रिश्ते में बरकत हो रही है, तो मुझे औलाद भी अल्लाह ताला दे दे, मेरा वही वजीफा छूट जाता है। आपको मैं आज उसकी खसूसी इजाजत दे रहा हूं, नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। असल इजाजत होती है, इंशाल्लाह और सर, इजाजत से मुराद जी मैं नहीं हूं, औलाद, जिन निस्बतों ने, जिन बड़ों ने मुझे जी इजाजत दी है, असल उनकी इजाजत है, मैं डाकिया हूं। जी जी, जी जी और हजरत साहब, मुझे ये कहना है कि जो 129 सूरत कौसर का अमल है, 129 डेज करना है, वो हम हर हाल में कर सकते हैं हर हाल लगातार। जी कर सकते, कर सकते। आपकी कॉल जी बंद कर जी रहा हूं मैं दुआओं के और हजरत साथ। साहब, नहीं, हजरत साहब वो मेरी दुकान के लिए बता देना, दुकान यही पे रश यही यही लग जाए ग्राहकों का। दुकान पे रश लग जाए ग्राहकों का, स्पेन में इतना बड़ा घर मिल जी गया, रिस्क इतना मिला और इतना सब कुछ हुआ। मेरे ख्याल में अब आपसे मैं वजीफे की इजाजत वापस ले लूं। नहीं, हजरत साहब ऐसे नहीं, जब एक औलाद और ये वाला कारोबार चल रहे, तो वो इसी से होगा, इंशाल्लाह इसी से होगा। 129 से। जी जी, सारे जी वजायफ जितने आप कर रहे हैं इसी से होगा। लोगों को अपक्री यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।